साथियों, आज हम लोग एक ऐसे आयोजन में और एक ऐसे दौर में यहाँ जुटे हैं जिस दौर में सबसे ज्यादा हमला उस विचारधारा पर, उस मान्यता पर हो रहा है जिसकी लड़ाई सदियों से लड़ी गई। और 1950 में जब बाबा साहब ने एक मुकम्मल दस्तावेज के तौर पे इस मुल्क को चलाने के लिए बनाया, तो आज जो विचारधारा पर हमला है, उस मान्यता पर हमला है। और इस आयोजन को मैं सल्यूट करता हूँ। और देश भर में जहां भी सामाजिक न्याय को लेकर के लोग लड़ रहे हैं, उनको इस मायने में सल्यूट कर रहा हूँ कि वही देश को बनाने के लिए लड़ रहे हैं जिस देश को बनाने का ख्वाब हमारे देश के बहुजन नायकों ने देखा था। साथियों, बहुत संक्षेप में, क्योंकि इस सभा में जितने भी लोग आए हुए हैं उनको ये बात समझाने की जरूरत नहीं है कि सामाजिक न्याय क्या होता है और उस पर कितने तरह के हमले हो रहे हैं। हम लोग अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के पिछली बार जब रोस्टर का मामला आया और ये मनुवादी सरकार ने मनुवादी न्यायालय के जरिए से और एक मनुवादी व्यक्ति के PIL पर ये रोस्टर का फैसला सुनाया, तो वो इंदिरा साहनी जजमेंट से लेकर के और सफरवाल केस तक के सारे प्रावधानों पर हमला था। सड़कों पर जितने लोगों ने संघर्ष किया था, उन सारे संघर्षों को एक फरमान पर रोस्टर के जरिए खारिज कर दिया गया। और आज हालात ये हो गए कि बिना संघर्ष का, बिना किसी आत्मदाह के और बिना किसी लड़ाई लड़े 10% आरक्षण इस मुल्क में लागू हो गया है। तो यह तय हो गया है कि इस मुल्क को आज भी कौन चला रहा है। इसलिए आज जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग उसी समय दिल्ली विश्वविद्यालय में सब लोगों ने मिलकर के रोस्टर की लड़ाई लड़ी। संसद में हमारे कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों ने हमारा साथ दिया और हमने उस लड़ाई को एक मायने में जीता कि उसको रोक दिया। आज हालात ये हो गए हैं कि रोस्टर, क्योंकि हमारे समाज से पहली पीढ़ी, मुकम्मल पीढ़ी जो दलित, पिछड़े, आदिवासी सब तबके की है, वो विश्वविद्यालयों की दहलीज पर पहुंची है। और उनसे सबसे ज्यादा खतरा उन्हें है क्योंकि वो अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं। 30 जनवरी को आज फिर से 22 जनवरी को जैसे SLP खारिज होती है, तुरंत विज्ञापन फिर से मनुवादी विज्ञापन जारी हो जाते हैं। आप सभी से आह्वान है कि इस लड़ाई को मजबूत करिए और परसों 31 तारीख को मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक पूरे देश भर में जितने भी लोग लड़ रहे हैं, तमाम सांसद हमारे मनोज जी भी बैठे हुए हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं, हम सबसे, आपने संसद में भी मामले को उठाया है, आप सभी से भी आह्वान है कि पूरे देश के लोगों को जुटाइए और संसद घेरिए। अगर यह आरक्षण खत्म हो गया तो उन सारे लोगों के संघर्षों पर यह मनुवादी सरकार ये पानी फेर देगी और ये हमारे सामने होगा। इसके दोषी हम होंगे, आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। मिलते हैं 31 जनवरी को। जय हिंद, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद। We'll be right back.